बस अभी चले हैं, चले चले हैं। वनी देव उसको देखने दे, वो भाई जाएगा हिम्मत वाला बंदा। हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग, और दिन की शुरुआत एक कप चाय के साथ और दो बादाम के साथ। पहुंच गए हैं श्रीनगर, रात के 12 बजे पहुंच गए थे और अभी हम उठ गए थे 7:30 बजे। चाय पी रहे हैं, फिर अभी नहा कर जल्दी जल्दी से अपना फिर यहाँ से चेकआउट करेंगे, क्योंकि आज हमें थोड़ा बहुत आधा दिन तो शायद हमारा लग ही जाएगा श्रीनगर में, फिर जम्मू के लिए निकलना है। चाय कैसी है? ठीक ही है, शुगर फ्री वाली है। एक और डाल दो। नहीं मिलेगा, बहुत है। 304 नंबर हमारा है, इधर भी और रूम से और ऊपर भी रूम से, और हम जा रहे हैं अभी नीचे अपना थोड़ा सा सामान लेने। ये एक्स्ट्रा सामान जो है वो गाड़ी में रखने जा रहे हैं और बाकी कुछ सामान लेकर आएंगे। यहाँ से ऐसे भी और अभी हम रेडी होकर ऊपर से निकले हैं, तो वेदर बारिश हो रही है और देखते हैं घूमने का प्लान चौपट ना हो जाए। और ये हमारा होटल था, यहाँ से हमने एग्ज़िट किया है और चलो फटाफट से निकलते हैं, भागो 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 भागो। और बाहर से ऐसे यहाँ पार्किंग, रात यहाँ पार्किंग नहीं थी तो हमने पार्किंग में बाहर ही लगाई हुई, और बाहर से ये रोड है इधर से और इधर तक। और बस रेडी होकर निकले हैं और बारिश हमारा स्वागत कर रही है, देखो बारिश हो रही है कंटिन्यू। तो अभी प्लान किया है कि जहाँ अंदर अंदर से थोड़ा घूम के आ सकते हैं, सबसे पहले जाना है लाल चौक जो हमारे जस्ट बराबर में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। फिर उसके बाद जाते हैं डल झील और फिर कुछ दुकानों पर घूमते हैं, यहाँ की फेमस चीज़ें देखते हैं। एक तो यहाँ पे एप्पल बहुत फेमस है और अखरोट, देखते हैं यहाँ पे क्या प्राइस है और यहाँ से थोड़ा सा लेकर चलते हैं। और मेरी वीडियो में आगे तक बने रहिए, कुछ ना कुछ अलग मिलता थोड़ा है। बता देती हूँ वेदर के बारे में, वेदर अभी यहाँ पे बिल्कुल ओके है, थोड़ा ठंडा है बट इतना भी ठंडा नहीं है कि ज़्यादा हैवी कपड़े जैकेट वैकेट पहनने की ज़रूरत नहीं है। बारिश है तो बारिश हो रही है, शायद इसकी वजह से भी थोड़ा ठंडा ज़्यादा सा है, नहीं तो नॉर्मल है। सुबह जब मॉर्निंग में टेम्परेचर चेक किया तो उसमें 18 डिग्री 16 डिग्री, ये हाईएस्ट 19 रहेगा यहाँ पे दिन में, बाकी सब ओके ओके, तो मतलब नॉर्मल है, हमें हैवी जैकेट्स की ज़रूरत नहीं है। वो ले लद्दाख में तो थी। और बस अभी चले हैं, चले चले हैं। लाल चौक और निकल के दिखाती हूँ मैं आपको, और मेरे जस्ट पीछे और बारिश
तरफ जाओ ना। ये जो भाई है इन्होंने बोला है सोनी को तुम उधर से आओ, उधर से फिर इधर को उड़ते हुए आएंगे। वो गई है फिर उस तरफ। सारे कबूतर जो है अब इस तरफ उड़ते आएंगे, तो सोनी को इन्होंने आइडिया दे दिया। देखो उसको देखना था, वो भाई जाएगा हिम्मत वाला बंदा लगा पड़ा है वो भी। दो समोसा, ये चटनी है, यूनिक फर्स्ट टाइम चटनी खाई है ना। ये है चटनी है, यानी कि इससे अच्छे से डाइजेस्ट हो जाते हैं। मूली डाइजेस्ट तो करती है। कटिंग और समोसा विद चटनी। सॉस ये इधर रखा है, किसी को लेना है तो। कितनी तेज भूख लग रही थी, टूट पड़े आपको। अभी आपको मेरे इस बैग्स पे भी बारिश की बूंदें दिखाई दे रही है, लेकिन अभी साफ नहीं कर सकती क्योंकि मेरा हैंड गया अंदर गाड़ी में पड़ा हुआ है। और मैं खा रही हूँ ऐसे समोसे में मूली भर दी, थोड़ा सा कैचअप लगाया। कुछ अलग ही टेस्ट आ रहा है, अच्छा है, ट्राई करना चाहिए। 60 रुपये केजी तो है, लेकिन कितने दिन चलेंगी? कितने दिन चल जाएंगी ये? देखो आप टेस्ट करो। कितने दिन चल जाएंगी ये? कुछ अलग है, बोला था ना, बस थोड़ा डिफरेंस है, थोड़ा बस यहाँ पे पहाड़ों में रहता है तो थोड़ा अलग है भाई। ये है यहाँ का फेमस, मतलब जो लालटेन वगैरह लगी होती है ना, आपने बहुत मूवीज में देखी होंगी, तो ये है भाई। लग रहे ना खूबसूरत, और एक्चुअल में खूबसूरत है भी, है बहुत सुंदर है, और ऑल द वे है लास्ट तक। मुझे बड़ी अच्छी लगी। मैं सही बताऊँ तो सोनी तो कह रही थी कि इनके साथ में रुक के फोटो खींचना है, लेकिन दिक्कत यह है कि यहाँ पे जो पुलिस वाले हैं वो गाड़ी को रोकने नहीं दे रहे हैं, तो हम लोग फोटो तो क्लिक नहीं कर पाए। तो हमने सोचा चलते चलते ही आपको दिखा देते हैं, एटलीस्ट आपको पता तो चलेगा कि भाई किस तरह का जो है श्रीनगर में। कुछ कुछ जगह तो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है सोनी। जहाँ जहाँ से हमने खुमानी ली थी और ये सब, मतलब जहाँ समोसे वगैरह चटनी खाई, लाल चौक है वो, तो का भी एरिया बहुत सुंदर है, और ये जो रोड है ये भी बहुत अच्छी है। हाँ ये रोड भी बड़ी अच्छी, और जो सामने ही रास्ता ये जा रहा है डल लेक की साइड, बोला है कि सीधा ही चले जाओ डल लेक आ जाएगी, और सामने ही पहाड़ भी दिखाई दे रहे हैं, तो जरूर पहाड़ के बीच से में ही है डल लेक, तो वहीं जाना है। येलो कलर की है, कितनी यूनिक कलर में है। और यहाँ पे एक छोटा सा ब्रिज, ये बोट भी है यहाँ पे भी। ये डल लेक का ही पार्ट है शायद। अच्छा यहाँ तक घूम कर आता है क्या?
पता नहीं इस तरफ बोला जाने के लिए, देखते हैं कि ये डल लेक का ही पार्ट है या कुछ अलग है। लेकिन यहाँ पे भी बोट खड़ी हुई है लकड़ी वाली, और आगे चलते हैं बस। नदी के साइड लाइट्स, यहाँ पे रात में बहुत अच्छा व्यू होता होगा क्योंकि सारी लाइट्स ऑन हो जाती होंगी ना, ये जो ऊपर है और नीचे नदी है। यहाँ तो घर है इनके अंदर, ये पूरे हाउस बोट हैं। कितने अच्छे अच्छे बोट में ही कितने अच्छे घर बनाए हुए हैं। और ये आगे तक, ये मुझे तो लग रहा है फैमिली इसी में ही रहती है शायद। हाँ। तो ये घुमाने के लिए भी है या इनका पर्सनल है? आगे डल लेक में। अच्छा, ये इनका पर्सनल। आई होप श्रीनगर की आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए सभी अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। इस वीडियो से रिलेटेड और शॉर्ट वीडियो और फोटोज़ देखने हैं तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट सोनी तोमर पे जाकर देख सकते हैं और मुझे फॉलो भी कर सकते हैं।